बच्चों आज टेक्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर वन है बच्चों, सॉल्व फॉर ए एंड सी इन द ट्रेंगल, ठीक है? जो ये ट्रेंगल दिया हुआ है, इस ट्रेंगल के अंदर ए और सी फाइंड करना है, ठीक है? और आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल। दिस ट्रेंगल का मतलब दिस ट्रेंगल, ठीक है बच्चों? तो चलो देखते हैं। अगर हम इस ट्रेंगल के अंदर अगर हम साइन 30 यूज करें, ठीक है बच्चों, साइन 30, और ये जो ट्रेंगल दिया है बच्चों, ये क्या है? राइट ट्रेंगल है, ध्यान रखना। राइट ट्रेंगल मतलब यहां पर क्या है? 90 डिग्री। साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? तो ये हो जाएगा ए अपॉन कितना? 12, ठीक। ये मैं फार्मूला बता चुका हूं, तो इसको लिख सकते हैं ए अपॉन 12, ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू साइन 30, ठीक है बच्चों? तो इस तरह से देखो, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है? 1/2, तो 1/2 रख दिया और 2 से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 6 वैल्यू आ गया। तो ए की वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया, नंबर वन। इसके बाद में क्या करना है मुझे? सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम कॉस 30 का यूज कर दें, तो दूसरा देखो, कॉस 30 इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन 12, ठीक है बच्चों? सी अपॉन 12 हो जाएगा। आप बताओ बच्चों, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू कॉस 30, ठीक है बच्चों? और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ बच्चों? √3/2, ठीक है बच्चों? ये मैं बता चुका हूं पिछले क्लास में, ठीक है? तो यहां 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो 6, तो ये क्या हो जाएगा? 6√3। तो इसका मतलब ये हो बच्चों, सी की वैल्यू कितना आ गया? 6√3 आ गया, ठीक है बच्चों? तो ये आ गया ए और सी की वैल्यू आ गया। तो यहां पर हम लिख देते हैं, क्या ए की वैल्यू कितना आया है? 6 आया है, और सी की वैल्यू कितना आया है? 6√3 आ गया। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी, इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है बताओ बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी इक्वल टू क्या होता है? देखो, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, 1/2 बेस की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, 6√3 है, और हाइट कितना है? 6 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 18√3, ये क्या आ गया? स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों? तो इसका एरिया अगर ए से रिप्रेजेंट करें तो ए इक्वल टू क्या आ गया? 18√3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों? तो ये आ गया इसका एरिया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? कि इफ थीटा 0 and π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो देन सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सॉल्व का मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन से मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, और जहां पे थीटा कहां लाई कर रहा है? 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है बच्चों? तो चलो देखते हैं, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लेते हैं जो दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको नोट करते हैं, 3 tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 cosec थीटा, ठीक है बच्चों? इस इक्वेशन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? तो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों? और इसको लिख सकते हैं 5 upon sin थीटा, ठीक है बच्चों? इसके बाद में देखो क्या करें, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड का मतलब देखो, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 sin² थीटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 upon sin थीटा, ठीक है बच्चों? अब देखो, साइन थीटा कैंसिल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, देखो बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। यहां पे फार्मूला यूज कर रहा हूं, ये सब फार्मूला मैं बता चुका हूं, ठीक है? कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैंने नहीं बताया, ठीक है बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 - cos² थीटा, और प्लस ये क्या हो जाएगा? cos² थीटा, ठीक है बच्चों? और अपॉन क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कॉस थीटा, और इक्वल टू क्या लिखा है? 5, ठीक है बच्चों? अब इसके बाद में इधर देखो बच्चों, इसको क्या कर सकते हैं? 3 को अंदर ले जाएं, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, 3 - 3 cos² थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो नीचे है अपॉन के नीचे में है इसको इधर ले जाएंगे तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखो 3 कॉस थीटा माइनस है और ये प्लस है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो लिख सकते हैं 3 माइनस 2 और इक्वल टू 5 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो इन सारे को उस साइड लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो देखो ऐसा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा और माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, तो देखो ये ऐसे दिख रहा है 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये दिख रहा है, अगर x के जगह cos थीटा रखा हुआ या cos थीटा के जगह अगर हम x रख दें तो इसको क्या हम कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखो यहां से हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा और यहां पे लिख सकते हैं देखो प्लस 6 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, जैसा ये है वैसा ही है, सेम है दोनों। इसके मतलब इंप्लाइज दैट देखो अब दो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को लो और इन दोनों को लो। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को लेने पे देखो 2 cos थीटा कॉमा कर सकते हैं, 2 cos थीटा कॉमा कर लिया तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 3। ठीक है, और इसमें देखो माइनस कॉमा कर ले तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद में एक लाइन और देखो, इसको हम फैक्टराइज हो गया देखो 2 cos थीटा माइनस 1 और फिर ब्रैकेट cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब देखो बच्चों इस वाले इक्वेशन को हम यहां लिखते हैं, तो यहां से डायरेक्ट लिखते नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखो बच्चों इसको लिख सकते हैं यहां पर 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर क्या हो सकता है cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों अगर ये होगा तो यहां पर निकालते हैं देखो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 या फिर क्या हो सकता है cos थीटा इक्वल टू हो सकता है माइनस 3 हो सकता है। ठीक है बच्चों, मतलब यहां दो वैल्यू हो सकते हैं, ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक बच्चों, तो अगर देखो बच्चों अगर लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि थीटा की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में रहना चाहिए, तो देखो बच्चों अगर हम cos थीटा इक्वल टू 3 रखते हैं तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, इस रेंज के बाहर चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, मतलब ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, इस वैल्यू को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू ट्रू रहेगा, तो इस वैल्यू को लेंगे तो इसका मतलब क्या, cos थीटा इक्वल टू 1/2 इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू बताओ किस थीटा पे cos की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है बताओ बच्चों, तो ये हो जाएगा cos 60 मतलब पाई बाई 3। ठीक बच्चों, तो ये इसका आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्या इसका वैल्यू फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है 10² π/3। ठीक है, मतलब 10² 60 डिग्री पर, cos स्क्वायर 45 डिग्री पर, प्लस 3 sec² 30 डिग्री पर, और प्लस क्या है 4 cos² 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये सिंपल है, तो इसका मतलब क्या हो, डायरेक्ट हम इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 10π/3 की वैल्यू क्या होता है बच्चों बताओ, √3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं देखो √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2 क्या cos² π/4, cos π/4 की वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है बच्चों, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, sec π/6 की वैल्यू क्या होता है बच्चों 2/√3, क्या होता है 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, और प्लस क्या है 4 cos, अब बताओ cos π/2 की वैल्यू क्या होता है बच्चों 0 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 पर होल स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लो क्या, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा देखो 2/2 हो जाएगा, और ये देखो क्या हो जाएगा 3 × 4/3 हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, इसके मतलब 3 + 1 + 4 तो इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 8, और ये इसका आंसर आ गया।